फाइनली मेरी बुलेट बन चुकी है, और मतलब जितना एक्सपेक्टेशन रखा था उससे थोड़ा कम ही है, क्योंकि मेन बजट का था, जो बजट थी ना वो बहुत कम था। फिर भी जैसी भी बनी है मैं इसे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ और हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। तो मैं, बुलेट मेरे पीछे है, ओहो सॉरी, आप देखिए बुलेट आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या लगा और कितने का। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप देखिए गाड़ी कैसी लग रही है। मुझे पता है उतना खास मज़ा नहीं आ रहा, पर फिर भी जैसी है आपके सामने देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मेरा एस्टिमेट कितने का था और इसमें कितने तक का लग चुका है। और दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मेरे पास, इसके पास इसका जो स्पेयर पार्ट था मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सस्ते में भी बन चुकी है। देखिए मेरे पास इसमें पहले डिस्क ब्रेक लगा था, पर मैंने इसमें ड्रम लगा रखा है। देखिए ड्रम लगाया, और अगले शॉकर स्टैंडर्ड के डाले, अगला मडगार्ड, शॉकर कप, हांडी, हेडलाइट, इंडिकेटर, इधर मीटर, अम्पेयर मीटर, हैंडल, स्विच, टैंकी, एयर फिल्टर बॉक्स, साइलेंसर नया डाल दिया है मैंने। आप बोलते हैं ना शॉर्ट बॉटल, ये वही है शॉर्ट बॉटल साइलेंसर। और पिछला क्लासिक का अलॉय व्हील डाल, सॉरी साइलेंस टायर डाल रखा है, रिम का क्लासिक का है, पिछला मडगार्ड क्लासिक का है, क्लासिक की बैक लाइट है। मतलब पीछे से आप देखेंगे तो आपको क्लासिक ही नज़र आएगी। ये देखिए क्योंकि क्लासिक का टायर है, पीछे का हिस्सा कंप्लीट क्लासिक का ही है। और देखिए इस पोजीशन से भी आपको लगभग क्लासिक ही दिखेगी, थोड़ा गियर बॉक्स पुराना है और इंजन से पता चल जाएगा। पतली सीट डाल रखी है मैंने, तो जहाँ तक है मेरा, मैंने कुछ ज़्यादा जोड़ के नहीं रखा था, फिर भी मेरे को उम्मीद है कि 40,000 रुपये के आसपास मैंने इसमें खर्च कर दिया है। वायरिंग इसमें नई डाली थी, साइलेंसर, इंजन का अंदर काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट थे वो सब नए डाले। तो सीट जैसे 600-700 रुपये की थी। टैंकी, अब देखिए मेरे पास कितना जो सामान पड़ा था, अगर उस सामान को नया खरीदते तो कितने तक पहुंच जाता है। देखिए 8,000 की टंकी थी मेरे पास, एक मतलब एक्सीडेंटल गाड़ी थी ना तो उसका टैंक मिल गया था मेरे को। शॉकर टेढ़े थे, मतलब एक गाड़ी एक्सीडेंटल गाड़ी थी उसके शॉकर मैंने इसमें लगा दिए नए बना के, ट्यूब इसके अंदर नई डाल दिए तो वो नए बन गए थे शॉकर। और पिछला एक गाड़ी में मैंने अलॉय व्हील डाले थे तो वो रिम था, टायर ट्यूबलेस टायर डाला था तो पिछला टायर था। ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मेरे ख्याल से 8, 5, 13, मतलब कम से कम 20,000 रुपये का सामान मेरे पास था। तो आप देख सकते हैं मैंने 1,000 रुपये के आसपास इसमें पीछे की बैकलाइट डाली थी, ये सारा सामान नया ले रखा था। और 600-700 रुपये का पीछे का ढोलकी था, 700-800 रुपये का बैंड था, 700 रुपये की वायरिंग थी, कार्बोरेटर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, ये इंडिकेटर 350 रुपये के चारों इंडिकेटर हैं ये डाले, 500 रुपये की हेडलाइट डाली, ब्रेक लीवर डाले 600 रुपये के दोनों पड़ गए, 400 रुपये का हैंडल पड़ गया, एक किल स्विच डाला, इग्निशन लॉक डाला 200 रुपये का, एम्पेयर मीटर 300 रुपये का, 500 रुपये का मेन मीटर, और बैटरी बॉक्स डाला, 1,000 रुपये की बैटरी नहीं डाली क्योंकि मेन जो था ना गाड़ी स्टार्टिंग बढ़िया होनी चाहिए, बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो मैंने चलो ठीक है, क्योंकि ये मॉडल उसी का था कि मेरे को इस टाइप से क्लासिक लगनी चाहिए, और उतना जो भी है इतना बजट है मेरा, ये मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितना बताना कि इस गाड़ी का कितना मिलना चाहिए इतना बनाने के बाद। सबसे पहले मैं इसकी स्टार्टिंग दिखाता हूँ, देखिए इतना होने के बाद स्टार्टिंग इसकी ठीक है या नहीं है। इतना होने के बाद अगर गाड़ी आपके उल्टे हाथ से स्टार्ट हो जाए तो और क्या लेंगे। तो गाड़ी की सबसे मेन थी, गाड़ी की स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए थी, तो मैंने ठीक है मैं सबसे ज़्यादा इंजन पे काम करूँगा, और मैंने इसकी गाड़ी की स्टार्टिंग उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक रखी है। गियर लीवर इसमें नए डाल रखे मैंने, देखिए आपको दिखेंगे ये गियर लीवर, केक, बड़ा गियर लीवर, एयर फिल्टर बॉक्स कहीं मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से करा, और काफ़ी सारी चीज़ें थी।
आप देख सकते हैं गाड़ी, फिर भी नेक्स्ट टाइम देखिए कोई दूसरी गाड़ी लेंगे तो उसको बनाएंगे। फिर भी अगर आप इस गाड़ी को अगर इस टाइप से बनाते हैं तो 60 60 हज़ार रुपये लग ही जाते हैं, क्योंकि काफ़ी इंजन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने नहीं दिखाई। गेयर बॉक्स का था, गेयर बॉक्स का वीडियो मैं बना था, पर कई सारी चीज़ों ने, कई लोगों ने कहा कि मतलब समझ सकते हैं कि गेयर बॉक्स का वीडियो एकदम सो मत करो। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, नहीं बनाया, नेक्स्ट वीडियो में कभी बनाएंगे अगली बार। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताना, गाड़ी मेरी कैसी लगी और इसकी इसे मैं सेल करूं तो कितने में होना चाहिए, कितने तक बिक सकती है, और इसका टारगेट मेरी नज़र में 5 हज़ार से 80 हज़ार रुपये की जर्नी जो है इसकी वो कैसी रही बताना दोस्तों। जल्दी मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, अब इस गाड़ी को, गाड़ी के बाद मैं जल्दी बॉम्बे आने वाला हूँ, तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, और बॉम्बे वालों से उम्मीद है कि वहाँ पे मिलेंगे और वहाँ जो दिक्कतें होंगी देखते हैं क्या कर सकते हैं, किसी की हेल्प, किसी की मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कोई हमारी करता है या नहीं कर सकता है मदद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।